आप हमेशा पूछते हैं कि ध्यान के लिए क्या करें, और हमेशा ही मैं आपको कहता हूं कि कुछ भी करने से बाहर हो जाओ। लेकिन आज बात अलग है। आज का विषय इतना अद्भुत है, इतना नया है कि शायद ये आपको कहीं भी और नहीं मिल सकता। एक ऐसा ध्यान जो आपके पूरे जीवन को ध्यान से भर दे, फिर आपको अलग से किसी ध्यान की जरूरत ही ना रहे। वास्तविक ध्यान वही है जब आप कभी ध्यान से बाहर होते ही नहीं, यहां तक कि आपकी नींद भी आपके लिए ध्यान बन जाती है। आज केवल आपको धैर्य की जरूरत है। पंच तत्व जिनसे आपका जीवन बना है, ये आपके जीवन में कैसे चमत्कार कर सकते हैं, इसे आप बहुत ही सरलता से समझ जाएंगे। ये सीधा आपको परमात्मा के साथ जोड़ने में सक्षम है। इसका आसान से भी ज्यादा आसान तरीका। पूरी पूरी संभावना है कि आज आपका जीवन बदल जाएगा। वही पृथ्वी है, वही आकाश है, वही संसार है। विज्ञान बाहर के संसार की खोज करता है, अध्यात्म भीतर के मन की खोज करता है। विज्ञान जानना चाहता है कि संसार कैसे बना। वो कितना भी जान जाए हमेशा अधूरा ही रहेगा। लेकिन जो मन को जान जाता है, जो अपने भीतर को जान जाता है, वो बाहर भी सब कुछ जान जाता है। क्योंकि आपका मन पूरी सृष्टि से जुड़ा है। आपकी चेतना और ब्रह्मांड की चेतना एक ही है। मन को जानने का अर्थ है होशपूर्ण जीवन, अपने जीवन की बेहोशी को तोड़ना। जब आप सोते हैं तो आपको आपका कुछ भी पता नहीं चलता, लेकिन जब आप जाग भी रहे हैं तब भी करीब करीब आप सोए हुए हैं। जैसे ही आप होशपूर्ण होने लगते हैं तब आप नींद में भी पूरे होशपूर्ण होकर सो सकते हैं। तब आपको जागने का भी पता चलता है और सोने का भी पता चलता है। तब नींद भी आपका ध्यान बन सकती है। ध्यान के अर्थ हैं कुछ भी नहीं करना, करने से बाहर हो जाना, जहां सब कुछ ठहर जाए, जहां मन में कोई विचार ना उठे, जहां मन की सारी तरंगे सारे विचार शांत हो जाए। आप अभी और यहीं के पल में आ जाएं। ध्यान में सबसे मुश्किल यही होता है कि मन के विचारों को कैसे रोकते हैं। इसलिए ध्यान के अलग अलग प्रयोग दिए जाते हैं। कभी संगीत का सहारा लिया जाता है ताकि मन को खाली किया जा सके। जब आप खाली होते हैं तब आप ब्रह्मांड की समस्त चेतना से जुड़ जाते हैं। तभी आपके जीवन में जागरण आ जाता है, आप होशपूर्ण हो जाते हैं। आप किस विधि से होशपूर्ण होते हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। विधि चाहे कोई भी हो, बस आप होश से भर जाएं, यही महत्वपूर्ण है। आज आप एक ऐसी विधि के बारे में जानेंगे जो बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सहज है। इसे कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है, और ये विधि अत्यंत शक्तिशाली है। आप कितनी भी गहरी नींद में हो, कितनी भी गहरी बेहोशी का जीवन हो, ये किसी भी बेहोशी को तोड़ने में पूरी तरह सक्षम है। नाम खुमारी नानका, चढ़ी रहे दिन रात, वो मस्ती, वो नशा, वो आनंद की खुमारी जो कभी समाप्त ही नहीं होती, वही परमानंद की स्थिति अगर आप भी पाना चाहते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए ही है। जिस संसार में आप रहते हैं, जिस पृथ्वी पर आपका जीवन है, ये संसार पांच तत्वों से बना है। इसे तो आप सभी जानते ही हैं, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। लेकिन आप
इसे केवल शब्दों में ही जानते हैं, इसका अनुभव अभी आपको नहीं हुआ। आज की विधि में आप इन्हीं 5 तत्वों का पूरा अनुभव करेंगे। आपका शरीर भी इन्हीं 5 तत्वों से बना है और ठीक उसी अनुपात में जैसे पृथ्वी पर 72% पानी है, आपके शरीर में भी 72% पानी है। सबसे ज्यादा पानी की मात्रा है। ये पानी क्या है? अगर आप ठीक से देखेंगे तो पाएंगे कि पानी एक अद्भुत रहस्य है। अब तो विज्ञान भी जान रहा है कि पानी निर्जीव नहीं है, पानी जीवंत है। विज्ञान कहता है कि पानी एक तरह का कंप्यूटर है जो आज तक की सारी जानकारी को अपने भीतर सुरक्षित रखे हुए है। कैसे संसार बना है, कैसे जीवन पृथ्वी पर आया है, इसको कोई नहीं जानता। बस इसके बारे में केवल अनुमान लगाए जाते हैं, लेकिन पानी के पास ये सारी जानकारी मौजूद है। ठीक इसी तरह से ये 5 तत्व, पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि, ये सभी अपने आप में अद्भुत रहस्य हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप इन्हें जानते हैं, लेकिन थोड़ा गहरा देखना शुरू करें तो आपको पता चलेगा कि आप कुछ भी नहीं जानते हैं। आप केवल इनके नाम जानते हैं, वो नाम भी आपके ही द्वारा दिए गए हैं। आप बस चीजों को नाम देते हैं और समझने लगते हैं कि आप उसे जान गए। वास्तव में तो आप कुछ भी नहीं जानते हैं। जैसे ही आप अपने अज्ञान को जान जाते हैं, जैसे ही आप जान जाते हैं कि आप कुछ भी नहीं जानते, तो आप एक गहरे आश्चर्य में उतर जाते हैं। आपका आश्चर्यचकित हो जाना ही पहली सीढ़ी है। अपने अज्ञान को जान लेना ही ज्ञान का पहला चरण है। जरा अभी सोचकर देखें कि आग क्या है। जरा अपने मन पर अग्नि के अक्ष को उतारें। क्या है अग्नि? आप हैरान हो जाएंगे। जरा पानी को सोचें, जरा आकाश को सोचें, पृथ्वी पर विचार करें, और वायु, वो ऑक्सीजन जिसके बिना आपका जीवन 2 मिनट भी संभव नहीं है। ये 5 तत्व जिन पर कभी जीवन में आपने ध्यान ही नहीं दिया, यही आपका भेजा हिला देंगे। आप सांस लेते हैं, आप पानी पीते हैं, पृथ्वी से आपको भोजन मिलता है, आपके जीवन के लिए जो भी आवश्यक है, जो भी पदार्थ है, सब आपको पृथ्वी से ही मिलता है। अभी आपने जो कपड़े पहने हैं, क्या कभी आपने सोचा कि ये कभी किसी खेत में एक पौधे के रूप में उगे हुए थे? जो आपका मकान बना है, उसमें जितना भी पदार्थ लगा हुआ है, कभी ख्याल किया कि वो कहां कहां से उठकर आया है? अग्नि, क्या अग्नि के बिना आप अपने जीवन की कल्पना कर पाएंगे? फिर आकाश, बिल्कुल खाली, जहां कुछ भी नहीं है। जहां कुछ भी नहीं है, वहीं तो सारा ज्ञान है। इसलिए तो मन को खाली करना पड़ता है। मन भरा है कचरे से, ज्ञान के लिए जगह ही कहां है? जहां कुछ भी नहीं होता, वो अपने से ही आकाश से भर जाता है। लेकिन जहां पहले से ही कुछ मौजूद हो, जहां दीवारें हों, वहां आकाश नहीं भर सकता। आपने जो भी ज्ञान किताबों से सीखा है, जो भी बाहर से लिया है, बस उससे खाली हो जाओ और कुछ भी करने की जरूरत नहीं। आकाश के अर्थ हैं खाली हो जाना। जितना जितना आप पंच तत्व के बारे में विचार करोगे, आप एक विस्मय, एक हैरानी से भरते जाओगे। आप पूछते हैं प्यास को कैसे जगाएं? इससे ज्यादा आसान कोई रास्ता नहीं।
तुम हैरान होते जाओ। तुम आज भी सब कुछ देखते हो जो तुम्हें किसी हैरानी से नहीं भरता, लेकिन जितना ज्यादा तुम संवेदनशील होते जाते हो उतनी ही हैरानी से भरते जाते हो। हर चीज तुम्हें हैरान कर देती है। कल भी तुम इसी नदी को देखते थे, कल भी तुम इन्हीं पेड़ों को देखते थे, कल भी तुम सांस लेते थे, भोजन करते थे, पानी पीते थे, लेकिन जैसे ही होश पूर्ण हुए, जैसे ही होश जागा, तो पूरी दृष्टि बदल गई। अब ये नदी, ये पेड़ पौधे, ये सारा संसार आपके लिए एकदम नया है। इसे आज से पहले तुमने कभी नहीं देखा। जितना जितना आप हैरानी से भरते हैं उतनी ही प्यास जागना शुरू हो जाती है। जब तक समझते रहे कि आप जानते हो तो प्यास की कोई जरूरत ही नहीं थी। जैसे ही पता चला कि कुछ भी नहीं जानते तो प्यास को जगाना नहीं पड़ता। जान जाने की प्यास जाग जाती है, अपने से ही जाग जाती है। अगर तुम प्यास को जगाते हो तो उसके कोई अर्थ नहीं, वो प्यास बिल्कुल नकली होगी। असली प्यास तो वही है जो अपने से ही जाग जाती है। तुम किसी भी तरह से उसे रोक नहीं सकते। आप सांस लेते हैं लेकिन आपको इसका कुछ भी पता नहीं चलता। आप पानी पीते हैं, आप भोजन करते हैं, सब कुछ बेहोशी में ही होता है। आप जरा 2 मिनट सांस रोक लें, प्राण कांप जाएंगे। मेरे एक मित्र हैं जिन्हें कोई 6 महीने पहले हार्ट अटैक हुआ, उनको स्टंट डाला गया। उनको सांस अभी भी बहुत खींच कर लेना पड़ता है। पहली बार उन्होंने सांस की कीमत को जाना। वो कहते हैं कि जब बहुत अच्छे से सांस ले पाता हूं तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे स्वर्ग मिल रहा हो, जैसे आनंद का झरना झर रहा हो। अब जरा आप अपनी तरफ देखें, आप तो ठीक से सांस लेते हैं, आपको तो कोई कठिनाई नहीं, लेकिन आपने कभी इस आनंद का अनुभव किया? कभी नहीं, क्योंकि आपने कभी इसकी कीमत को जानने की कोशिश ही नहीं की। जिस दिन आप जान जाते हो आप वायु के प्रति अहोभाव से भर जाते हो। आप पूछते हैं प्यास कैसे जगाएं, तो सबसे पहले पानी की ही प्यास को जगा कर देखें। सोचें कि बेहोशी में पानी नहीं पिएंगे। जरा अपने जीवन को तो देखें। आप कहीं किसी के पास गए, किसी के घर में गए, उन्होंने सबसे पहले आपको पानी पीने को दिया, आप पानी पी लेते हैं, आपको कुछ भी पता नहीं चला। जैसे पानी आपने नहीं किसी मशीन ने पिया, ऐसे ही आप खाना खाते हैं। पूरा जीवन आपका मशीन जैसा चल रहा है। आप कहां हैं? पानी की जल्दी नहीं करें, जरा प्यास को गहरा होने दें। फिर जब पानी का गिलास आपके हाथ में हो, 2 पल उसे देखें, उसे जानने की कोशिश करें। क्या है ये? अपनी प्यास और पानी दोनों के ही प्रति पूरे होशपूर्ण हो जाएं। धीरे धीरे करके एक एक घूंट पानी को पिएं। आपने इससे पहले कभी पानी के इस आनंद को नहीं जाना। पानी जो आज आपको स्वाद दे रहा है उसका पहली बार आपको अनुभव हुआ। ठीक ऐसे ही सांस के साथ करें, क्योंकि पानी के बिना तो फिर भी कुछ समय तक आपका जीवन चल सकता है, लेकिन सांस के बिना तो आप 5 मिनट भी जीवित नहीं रह पाएंगे। इसलिए जितने भी ध्यान के प्रयोग हैं उनमें सबसे ज्यादा सांस को महत्व दिया गया है। सांस से ही आपके प्राण जुड़े हैं। कभी किसी थोड़े से समय में आप होशपूर्ण होकर सांस लेना शुरू करें, बिल्कुल धीमी गति से।
धीमी गति से जब सांस लें तो वो आपको कैसे जीवन दे रही है, इसे अपने भीतर अनुभव करें। थोड़ी देर में ही आप सांस के आनंद को जानने लगेंगे। अगर आप अपनी सांस को भी देखना शुरू कर दें तो केवल सांस भी आपको संवेदनशील बनाने में सक्षम है। पूरी सृष्टि आपको सब कुछ दे रही है। पूरी सृष्टि से आप पर आनंद की वर्षा हो रही है, लेकिन आप इसे अनुभव ही नहीं कर पाते। आपने अपनी संवेदनशीलता ही खो दी है। आप हर आनंद से वंचित होते चले जाते हैं। आपकी हालत ऐसी है जैसे कोई मोटे रबड़ के कपड़े पहन ले, फिर उसे कोई छुए भी तो उसको कुछ पता नहीं चलेगा। हवा चल रही है, उसको इसका भी कुछ अनुभव नहीं होगा। जब कभी आप खाना खाएं, ध्यान रखें आप अपनी भूख के प्रति होशपूर्ण हो। आप तो ऐसे ही खाए चले जाते हैं, आपको भूख का कुछ पता ही नहीं। आप बाजार गए हैं, कभी वहां आपने कुछ खाया, पूरी बेहोशी में। आपके मित्र साथ में हैं, आप बातें कर रहे हैं, समोसा खा रहे हैं। क्या आपको लगता है कि आप होश में हैं? कभी कभी जब कोई व्यंजन आपको बहुत स्वादिष्ट लगता है, तब कभी कभी थोड़ी देर के लिए आपका खाने के प्रति होश जागता है। इसमें व्रत या उपवास भी आपके होश को जगाने में बहुत कारगर हो सकते हैं, लेकिन ये तभी कारगर हो सकते हैं जब आप इसके विज्ञान को समझते हैं। आप तो उपवास भी बेहोशी में ही कर रहे हैं। उपवास का अर्थ अनशन करना नहीं है। उपवास भी आपको संवेदनशील बनाता है। आज पूरा दिन खाना नहीं खाना है, इसका ऐसा कोई अर्थ नहीं है। ना ही कोई भगवान कहीं बैठा हुआ है आपके भूखे मरने से प्रसन्न हो रहा है। ये फिजूल की बकवास को छोड़ दें। ये केवल और केवल आपके होश को जगाने के लिए है। जब तेज भूख लगी हो तभी आप भोजन की कीमत को समझ सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि भूख के प्रति होशपूर्ण होना, फिर अपने भोजन के प्रति होशपूर्ण होना। बिल्कुल भी जल्दी नहीं करें। खाना सामने आ गया, दो पल उसे ठीक से देखें। उसमें जो भी खाने में आया है, एक पल के लिए उस पर विचार करें। जाने कौन से खेतों में यह खाना आपके लिए उगा था, जाने कहां यह कभी एक फसल के रूप में लहला रहा था, कहां कहां से यह आपके लिए आया। आप अनुग्रह के भाव से भर जाएंगे। मैं देखता हूं कुछ लोगों को, जब वो खाना खाने लगते हैं तो पहले हाथ जोड़कर खाने को नमस्कार करते हैं। आपने भी बहुत व्यक्तियों को ऐसा करते देखा होगा। हो सकता है कि आप भी ऐसा करते हो, लेकिन जरा ध्यान से देखना, वहां कोई भाव नहीं है। वो बिल्कुल ही एक मशीनी प्रक्रिया है। वो एक रोबोट के तरीके से ये सब करे चले जाते हैं। ऐसे ही कभी किसी ड्राइवर को देखना, वो गाड़ी स्टार्ट करने से पहले हाथ जोड़ता है, अपने कान को छूता है। सब कुछ मशीनी है, उसे ये सब करने की आदत हो गई। वो कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है उसका उसको जरा सा भी कुछ पता नहीं। वास्तव में भाव की कीमत है। आपके मन के प्रार्थना पूर्ण होने की बात है, धन्यवाद के भाव की बात है। अगर आप भी ड्राइविंग से पहले ऐसा कुछ करते हो तो पूरे होशपूर्ण होकर करें। सारा ध्यान अपने भाव पर रखें। जहां तक कान को छूने की बात है, उसका सही तरीका है कि आप कान की लौ को जोर से खींचें। वो आपके दिमाग को सजग करती है, आपको अलर्ट करती है। जरा सा हाथ लगाकर छू दिया, इससे कुछ नहीं होता। उसको वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझो।
इसीलिए एक टीचर अगर बच्चे को कुछ समझा रहा है तो कभी कभी उसको कान से पकड़ता है, ताकि जो वो कह रहा है उस समय उसका दिमाग सजग हो जाए। हर छोटी से छोटी बात पर ध्यान रखना है, कहीं पर भी आप मशीन ना बन जाएं। आप जब कभी सैर के लिए जाएं, तो इस पृथ्वी के प्रति अनुग्रहित हो जाएं। यही तो है जो आपको सब कुछ दे रही है। आपका चलना, आपका कदम रखना सब पोषपूर्ण हो। आपके शरीर से हवाएं टकरा रही हैं, उनको अनुभव करें। बहुत ही सुहावना मौसम है, आप विस्मय से भर जाएं। आप बादलों को देखें, बादलों के बीच में बनी आकृतियों में खो जाएं, उनके साथ एक हो जाएं। चारों तरफ फैले प्रकृति के सौंदर्य पर नजर डालें, आप मंत्रमुग्ध हो जाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्रकृति का सौंदर्य केवल पहाड़ों, जंगलों या झरनों में ही है, वो तो हर जगह पर है। आपके पास उसे देखने की आंख ही नहीं है। कुछ दिन पहले मैं देहरादून के पास एक चक्राता नाम की जगह पर गया। बेहद सुंदर पहाड़ियां, वहां जाकर ऐसा लगा जैसे मैं किसी स्वर्ग में आ गया। वहां जिस होटल में मैं रुका, उसके मालिक को मैंने कहा कि आप तो स्वर्ग में रहते हैं। उसका जवाब चौंकाने वाला था। वो बोला कि ये आपके लिए स्वर्ग हो सकता है, हमारे लिए तो ये साक्षात नरक है। यहां जब सर्दियों में बर्फ गिर जाती है, यहां की ठंड हमारे लिए नरक जैसी अनुभव होती है। ना यहां कोई सहूलियत है, हम ही जानते हैं कि हम यहां कैसे जी रहे हैं। उसने कहा कि स्वर्ग तो आपके यहां है, आपको वहां सब कुछ मिल तो जाता है। नरक और स्वर्ग केवल आपके मन की स्थितियां हैं। जहां आप रह रहे हैं वहां से आप बोर हो जाते हैं। बस फिर जहां की भौगोलिक स्थिति आपसे अलग है, अगर आप गर्मी से परेशान हैं तो ठंड आपको आकर्षित करती है। अगर आप समतल जमीन से उब जाते हैं तो पहाड़ आपको आकर्षित करते हैं, और अगर पहाड़ से उब जाते हैं तो समतल जमीन आपको आकर्षित करती है। सारा खेल तो आपके मन का है। जितना ज्यादा आप संवेदनशील होते हैं, जितने ज्यादा सेंसिटिव होते हैं, उतना ही आप होश से भरते हैं, उतना ही सृष्टि के सूक्ष्म उपहार भी आप लेने के योग्य हो जाते हैं। थोड़ा देखना आप सीख जाए, थोड़े होशपूर्ण आप हो जाएं, फिर कैसा बाहर का ज्ञान। पूरा आकाश आपको ज्ञान से भर रहा है, लेकिन आप तो पहले ही भरे हैं, तो आकाश आपका क्या करे। आप तो हिंदू हैं, मुस्लिम हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, आपके पास कहां ज्ञान की कमी है। लेकिन एक बार ठीक दृष्टि से अपने भीतर झांक लें, जरा सा अपने ज्ञान को, जिसे आप ज्ञान समझ रहे हैं, जिसे आप धर्म समझते हैं, आपको पता चलेगा कि यही आपका कूड़ा करकट है। अगर यह सब सही होता तो आपका जीवन सुख और आनंद से भरा होता, लेकिन आप तो हैं दुखी, आप तो हैं निराश, उदास और बेबस। क्या हो गया आपको? आखिर क्या पहचान हो सकती है कि सही मार्ग कौन सा है? कभी अपने जीवन की पड़ताल करना भी सीखें। आप सही रास्ते पर हैं या गलत, उसका प्रमाण केवल इतना ही है कि अगर आप सुखी और आनंदित हैं तो आपको चाहे सारी दुनिया भी गलत कहे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बिल्कुल सही मार्ग पर हैं। लेकिन अगर आप दुख, निराशा और विषाद से घिरे हैं, तो चाहे सभी आपको धार्मिक मानते हो, चाहे सभी आपको अच्छा कहते हो, वास्तव में
अधार्मिक हैं और आपका रास्ता बिल्कुल गलत है। रास्ता सही हो तो दुख कैसे आ सकता है? जिस रास्ते पर खड्डे हों, जो रास्ता कांटों से भरा हो, जो आपके पैरों को लहू लुहान कर रहा हो, जिस रास्ते पर आप जगह जगह गिरकर चोटें खा रहे हैं, वो रास्ता सही कैसे हो सकता है? इसका एक ही अर्थ है कि आपकी समझ में कमी है। आपने जो धारणाएं बना रखी हैं वो बिल्कुल झूठ हैं। आपके सभी पैमाने गलत हैं। इसके विपरीत अगर आपका रास्ता फूलों से भरा है, चारों तरफ सुगंध बिखरी है, आपके पैर जैसे मखमल पर चल रहे हैं, आप आनंद से भरे हैं, आपका जीवन सुखपूर्ण है, तो इससे ज्यादा और क्या प्रमाण होगा सही रास्ते का? जितने भी संसार में तथाकथित धर्म हैं, मैं किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा, सभी धर्म ये सिखा क्या रहे हैं आपको? ये कहते हैं कि परलोक संवार लो, इस लोक की जहां आप रह रहे हैं इसकी फिक्र मत करो, मौत के बाद बस उस पर ही ध्यान रखो, कहीं वहां आपको नरक ना मिल जाए। ये आपके अभी के जीवन को नरक करते चले जाते हैं, मौत के बाद आपको स्वर्ग के सपने दिखाते हैं। और आप देखें अपनी हालत को, आप अपनी थोड़ी सी भी बुद्धि इस्तेमाल नहीं करते। वहां जिसका आपको कुछ पता ही नहीं, वहां नरक ना मिल जाए। इसलिए अपने यहीं के जीवन को नरक बना लो, वो तो पता नहीं मिलेगा भी या नहीं, अभी नरक निर्मित कर लिया। नरक और स्वर्ग कहीं बाहर नहीं है, आपका मन ही नरक पैदा करता है और आपका मन ही स्वर्ग पैदा करता है। आपके जीवन के पंच तत्व और फिर जिनको आप विकार कहते हैं, वो भी पांच ही, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, इनके बीच में गहरा संबंध है। जैसे ही आप इनको विकार समझते हैं, इनसे छूटना चाहते हैं, वैसे ही आप अज्ञान में पड़ जाते हैं। यहां कुछ भी ऐसा नहीं है जो उपयोगी ना हो, लेकिन आप उसे इस्तेमाल कैसे करते हैं यह कला है। यही पंच तत्व जो आपको जीवन दे रहे हैं, यही आपका विनाश भी कर सकते हैं। हवा के बिना आपका जीवन समाप्त हो जाएगा, लेकिन अगर वही हवा तूफान बन जाए तो? पानी के बिना भी आप जीवित नहीं रह सकते, वही पानी अगर भयंकर बाढ़ बन जाए तो? अग्नि में आपका भोजन तैयार होता है, अग्नि के बिना आपका जीवन नहीं है, वही आग आपके घर को भी जला सकती है। आकाश तो सारी सृष्टि का विनाश करने में सक्षम है, अगर आकाश को आप ज्ञान के तरीके से देखें तो ये आपको बुद्धिहीन भी कर सकता है, ये आपकी बुद्धि की ऐसी हालत कर सकता है कि आप स्वयं ही अपना विनाश कर लेंगे। आपने बहुत बार ऐसा देखा भी होगा, कोई व्यक्ति अपनी ही बुद्धिहीनता के कारण अपना विनाश करता चला जाता है, जबकि सबको दिखाई पड़ रहा होता है कि ये व्यक्ति क्या मूर्खता कर रहा है, बस केवल उसे ही दिखाई नहीं पड़ता। जिसे आप सौभाग्य या दुर्भाग्य कहते हैं, उसके इतने ही अर्थ हैं। जब आपकी बुद्धि सही दिशा में चल रही है तो आपका भाग्य अच्छा है, अगर वो विपरीत दिशा में चलती है तो भाग्य खराब है। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि यहां विष और अमृत दो नहीं है, बस आपकी समझ है। आप अमृत को भी विष बना लेते हैं। जैसे जैसे समझ गहरी होती है, जैसे जैसे आप होशपूर्ण होते हैं और ज्यादा संवेदनशील होते हैं, तो आप विष को भी अमृत बना लेने की कला को जान जाते हैं।
आप दुख को भी सुख में बदलने में सक्षम हो जाते हैं। नदी वही है जो बह रही है, आप उससे विपरीत तैरने की कोशिश करेंगे तो आपको लगेगा कि नदी आपके विरोध में है। अगर बहाव की दिशा में तैरें तो वही नदी आपको सहयोग कर रही है। इतना ही फर्क है। सब आपके मन की स्थिति पर निर्भर करता है। सब दुखों को इकट्ठा करना भी आपके हाथ में है, सब सुखों को पा लेना भी आपके ही हाथ में है। बस आपको इसकी कला जाननी है। जैसे ही आप पंच तत्व के साथ एक होने लगते हो तो आप अपने जीवन के साथ एक हो जाते हो, क्योंकि यही पंच तत्व आपका जीवन है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं। अगर आप सब कुछ छोड़कर सारे ध्यान, सारे जाप और भी जो आप करते हो, सब कुछ छोड़कर केवल पंच तत्वों के प्रति जागना शुरू कर दें तो आपके जीवन में एक चमत्कार हो जाएगा। बस एक बार आप पूरी लगन से इसे करना शुरू कर दें, फिर आप देखेंगे कि पहले दिन से ही आपके जीवन में बदलाव आने लगा। हर एक दिन आप रूपांतरित हो रहे हैं, इसे आप स्पष्ट तरीके से अनुभव करेंगे। जो मैं हमेशा कहता हूं, अभी और यहीं में मौजूद होना। अब इसके लिए भी किसी और प्रयास की जरूरत नहीं। हर पल पंच तत्व के साथ होशपूर्ण होना आपको अभी और यहीं के पल में ले जाता है। आप जान पाते हैं कि जो भी है वो कभी किसी कल में नहीं, इसी पल में है। इस पल से बाहर कुछ भी नहीं है। यही आपका असली होश है। मैंने कहा नींद को ध्यान बनाया जा सकता है, नींद में भी होशपूर्ण हुआ जा सकता है, लेकिन सीधे सीधे आप नींद के साथ कुछ भी नहीं कर सकते। आप तो ध्यान भी करते हैं तब भी बहुत बार आपको नींद आ जाती है। आप तो ध्यान को भी नींद बना लेते हैं। बहुत से मित्र कहते हैं कि जब वो मुझे सुन रहे होते हैं, सुनते सुनते उन्हें पता ही नहीं चलता कि कब नींद आ गई। इसके लिए पहले आपको अपने जीवन की बेहोशी को तोड़ना पड़ेगा। जब आप अपने जीवन में जागने लगते हैं तो स्वाभाविक रूप से आपकी नींद भी होशपूर्ण होगी। आपके जीवन का एक भी पल बेहोशी में नहीं रह सकता। बस इतनी बात समझनी है कि ये अपने आप से नहीं होगा। आप पूछते हैं ना क्या करें, तो आज मैं बता रहा हूं, आपको इसके प्रति जागना पड़ेगा। आपको बहुत जोर से प्रयास करना होगा। आपका होश बार बार भटक जाएगा, पुरानी आदत है। जैसे ही भटके फिर आपको पता चले कि भटक गया हूं, तुरंत वापस वहीं आ जाए। धीरे धीरे पुरानी आदत टूट जाएगी। जो जो आपके जीवन के लिए आवश्यक तत्व हैं, जैसे मैंने कहा सांस, सबसे पहले सांस पर ही प्रयोग शुरू करें। पानी को जब भी पिएं पूरे होश से भर जाएं। पानी के प्रति धन्यवाद के भाव को मन में जगने दें। आपने कभी भी पानी के असली स्वाद को नहीं जाना। जब प्यास लगी हो, आप होशपूर्ण हो, तो पानी आपके लिए अमृत बन जाएगा। एक एक सांस आपके लिए आनंद की किरण बन जाएगी, अमृत हो जाएगी। कभी रात में आकाश को निहारना शुरू करें। ऐसा भाव मन में लाएं जैसे ये सारा आकाश आपको ज्ञान से भर रहा है। चांद सितारों में खो जाएं, आप हैरानी से भर जाएंगे। आप इनके सामने झुक जाएंगे। आपके हृदय में हर चीज के प्रति धन्यवाद का भाव गहरा होता जाएगा। आपका मन अनुग्रह से भर जाएगा। जितना जितना आप संवेदनशील होंगे, आपको पता चलेगा
कि इस संसार की हर चीज आपसे बात कर रही है। ये आकाश, ये सितारे, ये फूल, ये पौधे, ये पत्थर और ये झरने, ये पशु और ये पक्षी, सबके साथ आपके तार जुड़ जाएंगे। यहां कुछ भी ऐसा नहीं जो आपके विरोध में हो। यहां सब कुछ आपके लिए है। सारा ब्रह्मांड आप पर बरस रहा है। आप कितना भी लेते जाएं, वहां तो असीम है। फिर क्या कोई आपकी चाह बच सकती है? आपकी चाह तो अभी पैदा भी नहीं होगी, उससे पहले आपको सब कुछ मिल जाएगा। आपको सिखाया जाता है कि आप प्रेमपूर्ण हों, लेकिन कैसे? आप कैसे हो सकते हैं? आप केवल प्रेमपूर्ण होने का ढोंग कर सकते हैं, लेकिन अगर आप पंच तत्वों के प्रति जाग जाएं, तो फिर आपको कुछ भी कहने की जरूरत नहीं। प्रेम आपका स्वभाव होगा। फिर आप कोई लोभ नहीं कर पाएंगे। जैसे जैसे आप प्रकृति के प्रति अनुग्रह के भाव से भरते हैं, जैसे जैसे आपके भीतर से धन्यवाद का भाव उठता है, जब शिकायत की तो कहीं जगह ही नहीं होती, केवल आभार, धन्यवाद, वो भी सहज, आपकी कोशिश से नहीं, आपकी सोच से नहीं, बस अपने से ही आप झुकते चले जाते हो, तो क्या आपके जीवन में कोई अहंकार बच सकता है? जैसे ही जागना शुरू होता है तो सब कुछ आपको स्पष्ट दिखाई पड़ता है। यह भी दिखाई पड़ता है कि यहां आप किसी भी चीज के मालिक नहीं बन सकते, आप केवल उपयोग कर सकते। जब तक आपका जीवन है तभी तक आपका मकान आपका है या धन दौलत आपकी है, आप तभी तक इसका उपयोग कर सकते हैं, उसके बाद कुछ नहीं। फिर क्या कोई मोह आपके जीवन में पैदा होगा? क्रोध कैसे करोगे? तब आपका क्रोध करुणा में रूपांतरित हो जाएगा। क्रोध का तो फिर ख्याल भी नहीं आ सकता। जो सबके प्रति धन्यवाद के भाव से भर जाता है, फिर क्रोध असंभव है। कुछ भी समझाना नहीं पड़ता, कुछ भी छोड़ने की बात ही व्यर्थ हो जाती है। फिर किसी विकार की कोई संभावना ही नहीं बचती। फिर आपको अच्छा बनने की कोई जरूरत नहीं होती, अच्छाई आपका स्वभाव बन जाती है। अपनी पिछली वीडियो में जहां मैंने आपसे कर्म और कर्मफल की बात की है, जिसके लिए बहुत से मित्रों ने बहुत से प्रश्न पूछे हैं, उनके लिए भी आज का विषय बहुत उपयोगी है। अगर आप कर्मों को बदलने चलोगे तो कुछ भी नहीं होगा, ये असंभव है। उस मन को बदलना पड़ेगा जिससे आपके कर्म पैदा होते हैं। जब मन शुद्ध हो तो कर्म कैसे अशुद्ध हो सकते हैं? जब तक मन अशुद्ध है तब तक कर्मों के शुद्ध होने की कोई संभावना नहीं। आज मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि व्यर्थ की बकवास से बाहर आकर अपने जीवन के सौंदर्य को देखना और समझना शुरू करो। बहुत कुछ आप कर चुके हैं, उससे कुछ भी नहीं हुआ। एक बार अपने ही जीवन को समग्रता से जियो। कोई दूसरा कभी भी आपको कोई ज्ञान नहीं दे सकता। आप जो भी ले सकते हैं वो केवल अपने ही जीवन से ले सकते हैं। जिस दिन भी आप जाग जाते हैं तो आपको पता चलता है कि आपके अतिरिक्त कोई और परमात्मा नहीं है, आपका स्वर्ग आपके ही हाथ में है। इसके साथ साथ आप ये भी जान जाते हैं कि पूरी सृष्टि में परमात्मा के सिवाय कुछ भी नहीं है। वो जिसे आप दुश्मन समझते हैं, वो जिसे आप पापी समझते हैं और वो जिसे आप विष समझते हैं, ये सब केवल आपकी ही दृष्टि के दोष थे। यहां वास्तव में ऐसा कुछ भी नहीं है।
आपके जीवन में फिर कोई घृणा नहीं बचती। आप शुद्धतम प्रेम को अपने भीतर अनुभव करते हैं। प्रेम ही परमात्मा है। आपके जीवन में प्रेम के फूल खिले, परमात्मा आपके जीवन में उतरे, आपके जीवन की सुगंध चारों तरफ फैल जाए, आपके लिए हर विष अमृत बने और आप अपनी आत्मा को जान जाएं, आप स्वयं से साक्षात्कार कर पाएं और परमात्मा ही हो जाएं। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। धन्यवाद।